सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी? कैसी चल रही है आपकी गेमिंग? सो मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स का हॉट 11S और हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे फ्री फायर गेम प्ले टेस्ट। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं वीडियो में क्या है खास। उससे पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके अपने दोस्तों में जाके शेयर कर देगा। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ से फटाफट डब्बे को कर लेते ऑन और ऑन करते फर्स्ट में हमारा डिवाइस दिखता है जो काफ़ी तगड़ी और बेहतरीन डिवाइस होने वाली है। यहाँ पर पूरी की पूरी स्पेसिफिक आपको देखने को मिल जाता है और हॉट 10 11 की ब्रांडिंग तो काफ़ी बढ़िया है। बाइक में काफ़ी फिनिशिंग है गाइस, तो दिखाएंगे आपको इसको अभी रखते हैं साइड में। नेक्स्ट आते गाइस अपने डब्बे की ओर, तो डब्बे के स्पेसिफिकेशन पहले जान दे गाइस। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक टाइप सी केबल, जो हर फोन में टाइप सी केबल आपको देखने को मिल जाता है जो काफ़ी तगड़ी चीज़ है। वैसे नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आपको एक 18 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और हाँ गाइस, इस प्राइस रेंज में आपको इतनी तगड़ी डिवाइस आपको शायद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये हॉट 11S जो काफ़ी तगड़ी डिवाइस होने वाली है। वैसे हम दिखाएंगे आपको, तो रखते हैं साइड में। नेक्स्ट आते गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं मैनुअल्स, कार्ड्स वगैरह, इंस्ट्रक्शंस कार्ड्स वगैरह, बहुत सारे पुस्तकें, तो रखते हैं इसको भी साइड में, वैसे इसका कोई काम नहीं है। और नेक्स्ट गाइस यहाँ पे जो निकलने वाली है $100 की एक नोट्स, जो फेक सॉरी नकली नोट्स है, इसका कोई काम भी नहीं है, बस वेलकम है। तो नेक्स्ट गाइस आपको जो देखने को मिल जाता है वो होता है गाइस एक केश कवर, जो काफ़ी बढ़िया सी हल्की फल्की ट्रांसपेरेंस केश कवर है, काफ़ी बढ़िया, इसको भी रखते हैं साइड में। नेक्स्ट आते गाइस सो यहाँ पे आपको एक टेम्पल्स देखने को मिल जाता है जो काफ़ी तगड़ी है। और नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आपको एक सेमी इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, वैसे हालांकि सेमी इजेक्टर टूल भी पैकिंग से, तो सबको साइड रख दे। इसका नेक्स्ट डिवाइस काफ़ी तगड़ी है, इसको रैपिड से अलग कर लेते गाइस, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। फिनिशिंग काफ़ी तगड़ी है, वैसे रिफ्लेक्स कलर है तो काफ़ी तगड़ी लगेगी गाइस। और यहाँ पे गाइस हम नेक्स्ट अभी बातें करेंगे, फोन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करते गाइस फर्स्ट में दिखाएंगे आपको इंप्रेशन। तो इन्फिनिक्स सेटअप फटाफट सेटअप हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट काफ़ी तगड़ी काम करती है, वैसे गाइस काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशंस भी जानने की कोशिश करते हैं गाइस। सो फर्स्ट में गाइस डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस 90Hz का स्मूथ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है गाइस। दूसरा प्रोसेसर की बात करूँ गाइस तो MediaTek Helio का G88 का हाइपर इंजन 2.0 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रैम की बात करूँ गाइस तो 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और 18 वोल्ट का गाइस वही सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है गाइस, यही स्पेसिफिकेशन था। चलिए गेम प्ले भी स्टार्ट करके देख लेते हैं कैसा चलता है इस फोन के अंदर गेम प्ले। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट गेम प्ले के लॉबी में और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सेंसिटिविटी और ग्राफिक्स सेटिंग। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपनी सेटिंग्स के अंदर और आपको दिखाते हैं सबसे पहले सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को बाय डिफॉल्ट छोड़ते हैं गाइस, तो 92 कर लेते, वैसे जनरल को 92 पे रखते हैं तो काफ़ी तगड़ी चलती है तो अच्छा है। और नेक्स्ट गाइस यहाँ पे हम स्मूथ पे नहीं खेलेंगे गाइस, अल्ट्रा पे खेलने की कोशिश करेंगे। मेरे को पता है लैग होगा, फिर भी चेक तो करना बनता है, तो चलिए अल्ट्रा कर दिए, शैडो भी ऑन। और यहाँ पर गाइस हाई FPS को भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है बैटरी यूजेज ज़्यादा होता है, हाई फिल्म ड्रॉप देखने को मिलता है, वैसे जो भी होगा काफ़ी तगड़ी होगी गाइस। सो यहाँ पे हमारा सेटिंग हो चुका है। बैक आते गाइस, बैक आने के साथ यहाँ पे एक अच्छा सा क्लेश स्कोड का गेम प्ले सेलेक्ट करेंगे और देखते गाइस, फटाफट स्टार्ट भी कर लेते गाइस, सेलेक्ट किए तो स्टार्ट करना बनता है गाइस। स्टार्ट भी हो चुका है, काफ़ी तगड़ी फास्ट स्मार्टफोन है, जल्दी जल्दी सब कुछ करें, काफ़ी तगड़ी है। चलो चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, अब इसके बाद दिखाते हैं आपको कैसी गेम प्ले चलती है, यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। लैग करेगा अटकेगा सब कुछ आपको दिखाएंगे गाइस, वैसे अल्ट्रा पे खेल रहे लैग तो बनता है गाइस, आपको पता ही है, क्योंकि वैसे देखने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले चलते हैं गाइस फटा एक फर्स्ट राउंड में और यहाँ पर हम डेक फाइट सीन पर चलेंगे गाइस। तो फाइट सीन पर यहाँ पर गाइस तगड़ी फाइट सीन है, ओ भाई चलो एक बंदे को तो जरूर डाउन करूँगा चाहे जो हो जाए, चलो एक बंदे डाउन, काफ़ी तगड़ी अच्छी बात है, किल भी मिली जाएगा, काफ़ी तगड़ी बात है। यहाँ पे थोड़ी बहुत रिवाइव गाइस, ओ भाई नीचे उतर जाओ, ओ नहीं 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 मतलब हमारी एक किल तो हो चुकी है गाइस, खैर जैसे भी हो एक किल तो मिल चुकी है। और हाँ गाइस इसकी हम इंटरनल स्पेक्स की बात कर ले तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम गाइस कैमरे की बात कर लेते हैं। सो रेयर कैमरे की बात करूँगा इस तो 50 मेगापिक्सल्स का F1.6 का वाइड एपेचर्स का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो काफ़ी तगड़ी है। और गाइस फ्रंट फेसिंग की बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल्स का इन डिस्प्ले सेल्फी डुअल LED फ्लैश के साथ सुपर नाइट कैमरा देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया है।
और यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलता है डुअल स्पीकर, गजब। और इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको डुअल सिम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे जो अपग्रेड किया गया, मतलब हॉट टेन एस जो पिछले दिनों में जो आया था गाइस की हॉट टेन प्रो, तो ये सब मतलब उतना मतलब ज़्यादा तगड़ी फ़ोन नहीं थी, बट गाइस ये काफ़ी तगड़ी है। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा डिवाइस मिलना नामुमकिन है गाइस। सो और काफ़ी बढ़िया वैसे गाइस। और आपको मैं बता दूँ कि एक्सो एक्स का गाइस 7.6 का अपडेटिंग देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है, काफ़ी तगड़ी है। और नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी तगड़ी है, काम कर रही है गाइस। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और 180 का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी तगड़ी है गाइस। और यहाँ पे प्राइस की बात कर ले गाइस, तो चलिए प्राइस भी बात कर ही लेते हैं। वैसे हमारा भुया हो चुका है, काफ़ी अच्छी गेम तो चली है गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत लैग मिली है, हेटिंग्स भी मिली है। आप अगर स्टैंडर्ड पे स्मूथ पे खेलते हो तो काफ़ी बढ़िया गेम प्ले चलेगी, एकदम मक्खन की माफिक चलेगा, काफ़ी तगड़ी गेम प्ले चलेगी। तो चलिए प्राइस भी हम जान लेते हैं गाइस। तो 4640 का प्राइस आपको गाइस 10999 पर जाएगा, जो इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी स्मार्टफोन आपको इतना तगड़ा फीचर्स नहीं देने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है गाइस। तो चलिए यहाँ पे हमारा गेम एंड करता है और भी बातें कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट जो फ़ोन स्मार्टफोन होने वाला है गाइस, मतलब जो नेक्स्ट आने वाला है वो होगा गाइस IQ का 00Z5 5G, जो कि काफ़ी अभी लॉन्च होने वाला है, तो वैसे लॉन्च होगा और हमको वीडियो दिखा देंगे गाइस। तो अभी काफ़ी तगड़ी होने वाली है गाइस। वैसे इस स्मार्टफोन के लिए कोई भी ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। वैसे देखते गाइस ये फ़ोन कितने लोगों को पसंद आता है, वैसे काफ़ी तगड़ी फ़ोन है। मेरे को मैं इसको अगर कंपेयर करूँ गाइस तो लाइक पोको M3 से मतलब कंपेयर कर सकते हो गाइस, क्योंकि ये 11 है काफ़ी तगड़ी स्मार्टफोन है, मतलब वो दोनों बराबर पे चल सकता है गाइस। लेकिन अगर अभी न्यू डिवाइस की बात करूँ तो Hot 10 11 तगड़ा गाइस, मतलब Hot 11s काफ़ी तगड़ा है। तो जाओ गाइस बाइक करो, काफ़ी अच्छी फ़ोन है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि इस बजट रेंज में आपको ये फ़ोन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और जाके कीजिए, काफ़ी तगड़ी है, लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी मस्त है। अभी अच्छे तरीके से गेम प्ले को मज़े मतलब इन्जॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोन है। वैसे देखते गाइस कितने लोगों को पसंद आती है, वैसे काफ़ी तगड़ी है, सभी को पसंद आएगा, मेरे को भी, और मतलब ऑनेस्टली मेरे को खुद पसंद आया है, मतलब इन्फिनिक्स की ये स्मार्टफोन। वैसे गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं।